तो दोस्तों यहाँ फिल्म गदर 2 में एक बार फिर से यहाँ पर तारा सिंह और सकीना यानी क्या सनी देओल और अमीषा पटेल तो दिखेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही फिल्म में और भी कई स्टार्स जुड़ने वाले हैं। खासकर फिल्म में जुड़ रहे हैं दो नए स्टार यानी कि उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर। ऐसे में जहाँ एक तरफ उत्कर्ष शर्मा जो कि तारा सिंह के बेटे यानी क्या जीते का किरदार निभाने वाले, और यहाँ इस फिल्म में उत्कर्ष के ऑपोजिट हमें दिखने वाली है सिमरत कौर जो कि इस फिल्म में दिखाई जाएगी एक पाकिस्तानी, और यहाँ पर जीते जो कि किसी तरीके से पाकिस्तान पहुँच जाएगा सिमरत को लेने के लिए, लेकिन यहाँ उसके साथ ही इस फिल्म की असली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर काफ़ी कमी लोग जानते होंगे कि फिल्म गदर 2 में मेन एक्ट्रेस के तौर पर सिमरत कौर को लिया गया है, और जैसे कि अभी आप फाइनली हमें सिमरत कौर की पहली झलक देखने को मिल रही है फिल्म गदर 2 के सेट से। यस, तो यहाँ हाल ही में गदर 2 के सेट पर धर्मेंद्र जी का बर्थडे मनाया गया, और इस बीच फिल्म के सभी स्टार जो कि शूटिंग छोड़ यहाँ पर केक काटने के लिए आते दिखे, और जैसे कि इसी बीच यहाँ पर हमें सनी देओल का काफ़ी इंजर्ड लुक दिख रहा था, साथ ही जैसे कि यहाँ पर हमें फिल्म की एक्ट्रेस यानी क्या सिमरत कौर भी दिख रही थी, और वो भी अच्छे खासे इंजर्ड लुक में। और जैसे कि यहाँ पर उत्कर्ष शर्मा के लुक को देख कर तो सभी पूरे तरीके से हैरान हो ही सकते हैं। ऐसे में उसके यहाँ गदर 2 की इस BTS मूवमेंट में हमें फिल्म के तीनों ही स्टार जो कि एक साथ दिख जाते हैं यानी कि सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर। और जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर फिल्म की शूटिंग से पहली बार यहाँ पर हमें सिमरत कौर का लुक देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो एक तरफ गदर 2 के साथ ही यहाँ पर एक न्यू एक्ट्रेस को लॉन्च किया जा रहा है, हालांकि सिमरत कौर जो कि कई सारी साउथ फिल्में कर चुकी है, लेकिन यहाँ बॉलीवुड में पहली बार यहाँ पर हमें सिमरत कौर दिखेगी, और यहाँ इस फिल्म में सिमरत कौर जिनका किरदार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ पर फिल्म की शुरुआत से लेकर फिल्म के क्लाइमैक्स एक्शन में भी सिमरत कौर जो कि शामिल रहेगी। साथ ही यहाँ इस फिल्म में उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी, और इसमें तो ये जोड़ी इस फिल्म के लिए आपको कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।